एक से सभी को जीना सिखा देता है, एक से सभी को जीना सिखा देता है, वफा के नाम पर मरना भी सिखा देता है, वफा के नाम पर मरना भी सिखा देता है। इक्स अगर नहीं किए हैं तो करके देखना, इक्स अगर नहीं किए हैं तो कर कर देखना, जालिम हर दर्द सहना भी सिखा देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के त्यागी, मैं आप ही लोग का चैनल चंपारण स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए, यह तो थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन रहा कि हाँ, जो यदि अगर इक्स में इतना कुर्बान है ना, ही रंजा से लेकर लैला मजनू से लेकर सबका अपने नाम सुना होगा, क्या मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला है। तो पर हाँ, उनको चलने और रहने और संघर्ष करने के तरीका जरूर सिखाया है, ठीक है। तो इसलिए हम यह आपसे बात कहे हैं। चलिए, ये तो रही अपनी बात, पर हाँ, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैंची गुना मेथड, यानी कैंची, यानी कैसे हजाम हमारे बाल को काटता है ना, वैसे किसी की संख्या को आप कैंची के माध्यम से आप कैसे उसको काट कर गुना कर सकते हैं दोस्त, आज मैं वह सिखाने वाला हूँ। आप सारे लोग जुड़ जाएं, ठीक है ना, जो जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक हो जाए, ठीक है ना। हाँ, यदि जहाँ आपको दिक्कत बुझा है वहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना, मैं आपको पूरा क्या करूँगा, आपका कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग, आज मैं हम लोग पढ़ेंगे कैंची गुना मेथड, ठीक है ना। इस मेथड के थ्रू आपको हम सारा स्टेप बताएंगे, इससे भी आप बहुत सारे अंकों का गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पर हाँ, देखिए, एक अंक का, दो अंक का, तीन अंक का, चार अंक का, हम सारा का डिजिट करना सिखा देंगे, ठीक। पर हाँ, एक अंक का तो सब कोई कर लेता है, ऐसे अगर हम कहें गुना आठ गुना, ऐसे तो एक अंक का गुना तो सब लोग करते हैं, नौ आठ बहुत, इसमें तो कोई दिक्कत डाउटफुल नहीं। पर हाँ, दो डिजिट में, यानी दो अंक के गुना में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो हम लोग दो डिजिट के गुना में हम लोग चलते हैं, ठीक है, दो सीखेंगे, तीन सीखेंगे, चार सीखेंगे। पर हाँ, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है, अब यहाँ पे हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए, यही इसको हमको गुना कर लूँ मैं, तो थोड़ी सी दोस्त ध्यान दीजिएगा, आप इसका पहाड़ा भी करके कर सकते हैं। पर हाँ, अगर बड़ा बड़ा डिजिट अगर आ जाए तो आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो इसको हम कैसे कैंची मेथड से गुना करेंगे, आइए हम आपको इसका थ्योरी बता देते हैं, ठीक है। इसका नियम क्या है, देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दो अक्षर है ना, तो यहाँ पे दो बूंदा बना दीजिए, ठीक है ना। आज दो इसके लिए, दो इधर के और दो इधर के। अब यहाँ से सोचिएगा, पहले हम वो इसमें गुना करना है, देखिए इसमें पहले गुना करेंगे, ठीक है ना। दूसरे कंडीशन में देखिए क्या क्या, फिर चार गो लेटर। अब ऐसे देखिए, कैंची आ गई कि ना आ गई कैंची, यानी ऐसे हम क्रॉस करेंगे, इसमें का जो भी हासिल वसिल होगा इसमें ले आकर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। आ इसमें का जो भी हासिल वसिल आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लास्ट में ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यही आपका कैंची मेथड, दो तीन चार सारा को मैं सिखा दूंगा, ठीक है ना। पर हाँ, जुड़े रहें, ध्यान से देखिएगा। अब इसको आप एक बार क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा, कैसे देखिए, यहाँ पे एक बारह, यहाँ पे एक चार। अब देखिए, हमने कहा ना पहले क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, तो कितना होगा, चार दो ना आठ हो जाएगी ना। अब देखिए ऐसे ऐसे, तो कितना होगा, चार, देखिए यहाँ से चार एकम चार, चार हो गया, चार दो छः, तो यह लिखेंगे छः। देखिए दोस्त, एक बार समझिएगा ना, इसके बाद से कोई परेशानी नहीं होगा। अब यहाँ आ जाइए, अब कितना है लास्ट वाला ना, तो लास्ट लास्ट एक गुना एक कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, हो गई। तो इस तरह से आप कर लेंगे। एक और हम अंक लेते हैं, देखिए यहाँ पे, चलिए देखिए, अब फास्ट करेंगे, देखिए कैसे फास्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले ऐसे चलेंगे, तो आठ पे चालीस क्या होगा, जीरो, कैरी किया चार, पाँच गुना दस, दस आ सोलह कितना होगा, दस सोलह छब्बीस, छब्बीस चार तीस के जीरो, कैरी किया तीन, कितना होगा, दो दो चार, चार तीन कितना होगा, सात हो जाएगा। ऐसे आप फास्ट में कीजिएगा तो और भी फास्ट आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डिजिट, ठीक है ना, इस और थोड़ा सा बड़ा डिजिट लेते हैं, तब आपको तीन अंक सिखा देते हैं, तब चार अंक सिखाएंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे मान के लिए आठ गुना यहाँ पर सात सिक्स, यही है ना, चलिए देते हैं यहाँ पे। अब ऐसे पहले उतार दीजिएगा, हाँ, आठ छक कितना होगा, अड़तालीस के आठ, कैरी कितना गया चार, हो गई ना। अब यहाँ देखिए, नौ छक चौवन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, आठ सत छप्पन, और चौवन देखिए, चौवन छप्पन गो,
54 कितना हो जाएगा, 60 हुआ, 60 हुआ आप जोड़ लीजिए 54, तो कितना हो जाएगा 60 यहाँ पे जोड़ लीजिएगा 54, तो कितना होगा 4 11, तो 11 क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4, कैरी कितना गया 1, 963, 63 में आप 11 जोड़ लीजिए, ठीक है ना, कितना जाएगा 7, ये हो जाएगा कितना 63 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 64 यानी 74 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप 74 यहाँ पर सही से बना लीजिए 74 48। तो ऐसे आप किसी भी डिजिट का आप दो अंक में ऐसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं किस पर, तीन डिजिट पर। अब तीन डिजिट का नियम क्या है थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पे 101 गुना 213 हो गए। अब इसमें देखिएगा दोस्त कौन नियम होता है, ध्यान सुनिएगा, इसमें दो अक्षर था ना, तो कितना आया था 1 2 3, अब इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले कैसे करेंगे, 1 2 3 1 2 3, तीन इधर का लेटर, तीन इधर का, लिख दिया हाँ, बस ऐसा ही करना है, पहले आपको इसमें गुना करना है, कैसे करना है इसमें गुना करना है, ठीक। तो फिर दूसरा स्टेप में क्या करना है, देखिए ये फर्स्ट स्टेप हुए, यहाँ भी फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, आई आपका रहा थर्ड स्टेप, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इस ऐसे करना है, सेकेंड स्टेप हो जाइए, अब ऐसे आपको करनी है कैंची से, या सेकेंड स्टेप आपका रहा, अब थर्ड स्टेप, चलिए हो गया, अब थोड़ा फाइल लिखो, अब थोड़ा सा समझिएगा इसको, देखो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे और फिर ऐसे आएंगे, याद रहेगी ना कि एक बार आपको ऐसे जाना है क्रॉस, एक बार ऐसे क्रॉस जाना, एक बार इन कैंची से, कैंची के तरीके देख कैसे होता है, ऐसे दापते होते ऐसे काटता है ना, वैसे ही काटना आपको, ठीक है। तो तीसरा स्टेप, अब आते हैं चौथा नंबर, 1 2 3 हो गया, अब इसमें आपको फिर ऐसे, एक बार हम देखिए पूरे जैसे चढ़ रहे थे और चढ़ने के बाद पूरा चढ़ गया, और फिर उतरेंगे, अब क्या करेंगे उतरेंगे, तो उतरेंगे अब यहाँ से देखिए हो गई, अब यहाँ पे 5 स्टेप, यहाँ से ऐसे लास्ट में वो क्या करना है उतर लेना। आपको देखना बहुत लग रहा है कि बाप रे बहुत तामझाम है, अरे दोस्त दो तीन बार आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो क्या होगा बहुत तेजी से यह हो जाएगा, पर हाँ घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इससे भी एक बेटर ट्रिक और गुना का लेकर आऊँगा, जो आप पूरे जितने भी हम गुना के मेथड सिखाए हैं सारा को आप त्याग कर उसी को पढ़ेंगे, क्योंकि वह जो ट्रिक होगा ना वह बहुत फास्टली, उससे किसी भी तरीका के किसी भी अंक को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई रूल है ना ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ वह जो होगा वो आपको दिखाएंगे, वो है बम्फर सिस्टम यानी बॉक्स सिस्टम। बॉक्स सिस्टम कैसे होता है इंतजार कीजिए उस वीडियो का, हम जल्दी लेकर आने वाले हैं। चलिए पहले अब इसको सीखते हैं, अब यहाँ देखिए अब इसको क्या करेंगे हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, तो 2 1 3, अब यहाँ पे देखिए पहला कंसेप्ट क्या कहता है, पहले इसे जाओ तो 3, अब इस दूसरा कंसेप्ट ऐसे ऐसे दो अक्षर, 3 6 1 कितना होगा 7, देखो 3 2 6 आई एक्स गुना करते हैं 1 कम 1 तो 7 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, हो जाएगा। अब तीसरा पाते इस पर देखो कितना होगा 3 1 3 और 2 1 2, देखो 3 1 3 और 2 1 2 तो कितना होगा 5, अब आई 2 1 2 5 2 7, तो क्या लिखें हाथ से निकलना है तो 7 के 7 लिखो। अब इस पर आते हैं क्या हो जाएगा, अब इस पर आएंगे ना ऐसे तो कितना होगा 1 1 1 और 2 1 2, 2 2 4 4 1 5, तो यहाँ कितना होगा 5, अब कितना होगा 2 1 2 लास्ट वाला 2 1 2, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ थोड़ा सा लग रहा कि आपको टाइम लग रहा, टाइम नहीं लगेगा यार, तुम प्रैक्टिस मार के तो देखिए आप लोग, ठीक है ना, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, हम कह दिए नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। चलिए देखिए हम करते हैं, यहाँ पे 2, चलिए अब यहाँ पे देखिए हम करके दिखाते हैं, 1 2 2 यहाँ पे 2 2 2 3 है ना 1 हो गया। चलिए अब यहाँ आपको हम कैसे फास्ट करेंगे, देखो 2 1 2 कैरी तो नहीं जाएगा ना, सॉरी 2 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 आई कितना होगा 6 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2 कम 2 2 2 4 4 6 कितना होगा 10, 2 1 2 2 2 4 4 1 5 5 6 कितना हो 11 1 कैरी कितना गया 1 आई कितना 3 1 3 4 7 1 8 कैरी कित नहीं कैरी नहीं है, ठीक है 2 1 2 2 2 2
चलिए समझ में आई ना। तो यह इस तरह से आप इसका 3 का भी रूल से आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अब एक और मेथड जो आप कहेंगे कि तो ये तो थोड़ा थोड़ा, यह तो 3 अंक में हो तो हो जाएगा, 4 अंक में रहे तो क्या, यही ना सोचिएगा आप। 4 का मेथड भाई इसी तरह है, ठीक है दोस्त, आपको थोड़ा सा सोचने वाली थोड़ी सी बात नहीं है। चलिए हम 4 को भी सिखा देते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब 4 डिजिट में आते हैं, यानी 4 अंक में। अब यहाँ देखिए 4 अंक में जैसे ले लिए हम 1 2 3, तो 3 यहाँ पे एक ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, आपकी मर्जी। तो छोटा छोटा बता रहे इसलिए कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना, उसके बाद हम बड़ा प्रयोग करके दिखाएंगे, हो गया। अब यहाँ पर जी आपके सामने 1 2 3 4, 4 डिजिट इधर है, 4 डिजिट इधर है, तो आप इसे अगुना कैसे करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से इसका तरीका सीखेंगे, इसका तरीका कहिएगा बाप रे इतना झमेला, झमेला नहीं है दोस्त, एक बार सीख जाने के बाद कुछ झमेला नहीं है, तो दुनिया झमेला है, इसमें तो जीना पड़ता है ना, जीना तो पड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये पहला स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप 2 3 4, 1 2 3 4, अब ऐसे आनी है, ऐसे आना है। तीसरा स्टेप 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, ऐसे, समझ गए ना। तीन गो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा, ऐसे 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 हो गया। चलिए अब आते हैं 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये कैसा कर रहा है। पहले लास्ट वाला को देखिए, लास्ट वाला इसमें का, इसका फिर लास्ट वाला इसमें, हो गया। अब लास्ट के दोनों कर लिए, तो देखिए ध्यान से, अब फिर हम अब ये दोनों का बीच के देखिए ऐसे क्रॉस, इसका लास्ट से इसमें करना है, इसके लास्ट से इसमें करना है, हो गए। चलिए अब आते हैं फिर आगे, अब उतारना भी तो है भाई, चढ़ा दिए तो उतारो तो सही। अब देखिए 4 हो गए, उतारिए, देखिए इधर से चढ़े थे ना, तो इधर से उतरेंगे, कैसे उतरेंगे ध्यान से सुनो। देखो यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे क्या करेंगे ऐसे कर लेंगे, तो आप क्या कीजिएगा उतर जाइएगा, ठीक। अब यहाँ पर जी अब 2 अंक में, हो गई जो है सो, आपको ये लिखने में टाइम लग रहा है मेरे को, देखिए अब ऐसे हो जाएगी। अब आते हैं लास्ट पॉइंट 6 7, ऐसे कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप यह 7, अगर इसका कॉन्सेप्ट है 7 को अगर बैठा लेते हैं अपने दिमाग में, ठीक है ना, तो आप इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही आपका 5 का, जैसे 4 अंक है ना, 5 डिजिट का भी आ जाएगा, 6 डिजिट का भी आ जाएगा, ऐसा ही आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, बस ऐसे बढ़ते जाना है, कोई दिक्कत ना। अगर 5 डिजिट आता ना, देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ क्रॉस आए थे, देखो बीच वाला ऐसा कर लेता बीच में, ठीक है ना, ऐसा हो जाता। चलिए अब यहाँ आपको हम लोग देखते हैं क्या है, 2 1 1, अब यहाँ कितना होगा 1 2 3, ऐसे। अब देखिए करना है गुना, कितना होगा 3 एकम 3 3 दूनी, कितना होगा 3 दूना 3 3 का 9 9 2 11, 11 का 1 कैरी किया 1। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो नहीं होना, चलिए 3 दूना 6 3 दूना 6 6 7 7 7 6, देखो यहाँ पे 7 6 7 6, कितना होगा 13 13, आई कितना होगा 14 का 4, कैरी कितना गया 1। अब लास्ट पे आ गए, देखो लास्ट पे ऐसे 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 लास्ट, तो लास्ट आ जाइए यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ पे 2 एकम 2, 5 हो जाएगा। अब 5, अब ऐसा क्रॉस 5, देखो 3 2 5 5 4 9 9 3 12, एक घासी लेके 13, कैरी कितना गया 1। अब लास्ट पाते दूसरा पर 1 एकम 1 2 2 4 4, कितना होगा 5, कैरी गया ना कितना होगा 6, ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 एकम 2, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो ना है ना। चलिए अब हम विश्वास रखते हैं कि आपने यह सीख गया होगा,
दिन नहीं सीखे हैं तो एक और आइए हम लेकर करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब थोड़ा फास्ट में चलेंगे, ठीक। यह सिखाने के लिए आपको हम इतना स्लो स्लो करके चलिए। यह अब देख लीजिए, आपने देखो हम आपके सामने किए है ना। अब ऐसे ही आप एक दो बार प्रैक्टिस मारिएगा, पर एक बार कर देते हैं आपको जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे 3 4 2 1, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं 1 2। चलिए अब तेजी से फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक एकम कितना, 2 एकम 2, यहाँ पे 2 2 4 4 कितना होगा 5, यहाँ पे देखिए 4 2 8, 8 3 11, 8 8 3 11 11, 2 कितना होगा 3 1 3, कह रहे क्या 1। अब यहाँ आते हैं 3 1, यहाँ पे ना 3 2 6, 6 2 8, 8 8 8, 4 12 12 12, 6 कितना हो जाएगा 18 के 8 कैरी गल 18 को कैरी था ना 19 के 9 कैरी कितना गया 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे थे 3 एकम 3, 3 4 7, 7 12, 7 2 12, 7 12 कितना हो जाएगा 19, 19 एक 20 के 0 कैरी गल 2, 3 2 6, 3 3 9, 9 9, 6 15 15, 2 17 के 7 कैरी कितना गया 1, यहाँ पर 3 2 6 6 1 7। थोड़ी सी देखिए यहाँ पे हम एक जोड़ गलत जोड़ दिए, देखिए यहाँ पे कितना 9 होगा, कैसे होगा 9 थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ आप देखिए हमें यहाँ 3 2 9, देखो यहाँ पे 3 3 9, हम 3 2 6 कर दे रहे थे इसलिए गलती हो गया था। तो 3 3 9 हो जाएगा 9 8 कितना होगा 17, आ 17 2 हासिल इसमें था तो 17 2 कितना 19 कैरी गल कितना 1, 3 2 6 1 7, ओके समझ ना। तो यह आप यह आप 4 अंक का था, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी अंक को आप कैंची मेथड से आप गुना कर सकते हैं, इसमें कोई डाउटफुल की बात नहीं है, ठीक है ना। पर हाँ अगला आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है ना, एक गुना लेकर आऊँगा जो बोले हैं ना कि पूरे आप YouTube पर खोज के हार जाएगा, ऐसा गुना नहीं मिलेगा किसी के पास, ठीक है ना। पर हाँ वह यदि गुना आप वहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है, सिंपल सी मेरी खुद की अपनी फंडा है, ठीक है ना। आइए खाइए जाइए, ठीक है ना। वह यदि तरीका जान जाते हैं तो कहीं भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप वह उसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। यदि यह वीडियो अच्छा आपको लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। ऐसे वीडियो हमेशा हम बनाते रहेंगे, ठीक है ना, और आप लोग मेरा जोश बना कर रखें, ठीक है। चलिए विदाई लेते हैं, जय हिंद।